जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी में खान पियन खुद ब खुद लोगों की बदल जाती है, लेकिन इस बढ़ते गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा लोगों को हमेशा बना रहता है। तो इस बढ़ती गर्मी में जो हीट वेव की स्थिति बन रही है या फिर आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इस हीट वेव की स्थिति में किस प्रकार से लोग अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, क्योंकि जो रोज़ाना घर से बाहर निकलने वाले लोग होते हैं, ऑफिस काम से हो या फील्ड वर्कर हो, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इसका सामना करना भी पड़ता है। तो ऐसे में हम बात करेंगे मेडिकल एक्सपर्ट से कि किस प्रकार से इस बढ़ते गर्मी में, चूँकि गर्मी का ही शुरुआती दौर है, आगे अभी और भी गर्मी की स्थिति बाकी है, उसे और भी झेलना है, तो एक्सपर्ट से हम राय लेंगे कि किस प्रकार से खान पियन होनी चाहिए, खान पियन में कैसे बदलाव होनी चाहिए, जिससे कि हीट वेव की स्थिति में भी अपने आप को लोग सुरक्षित रख सकते हैं, और इस बढ़ती गर्मी में खीरा कितना मददगार साबित हो सकता है आपके शेयर के लिए, सर बताएंगे कर रहे हैं। और ये हीट वेव की स्थिति में किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें खीरा कितना मददगार होता है। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, कंसल्टेंट शर्मा डायग्नोस्टिक, दरभंगा। आप जानते हैं कि शर्मा डायग्नोस्टिक पिछले 62 साल से दरभंगा में अपनी सेवा दे रहा है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर इन बिहार, और मैं कंसल्टेंट हूँ पिछले 38 सालों से यहाँ मैं कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा कि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, खीरे का क्या रोल है, तो खीरा जो है सो आप जानते हैं कि पानी से भरपूर होता है, खीरा में 96% पानी होता है और ये एक फैट फ्री, फैट बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप गर्मी के समय में वैसा खाना होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा हो, और खीरा उसमें से एक है। तो दो तीन चार बल्कि खीरा के इतने फ़ायदे हैं, इसलिए खीरा के बारे में कहा जाता है खीरा हीरा है, और हमारे बुजुर्ग कहते भी थे कि खीरा खाने का टाइम निर्धारित किए हुए थे कि सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीड़ा। मतलब उनके खाने का मतलब क्या रहा था पता नहीं, कि रात में खीरा नहीं खाना चाहिए, दिन के समय खीरा का इस्तेमाल कीजिए, खासकर सुबह में, मॉर्निंग में। बहुत लोग खीरा को स्नैक्स के तौर पर, नाश्ते के तौर पर ही करते हैं। स्नैक्स का मतलब बिटवीन द टू मील्स, सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाने के पहले उसको सलाद के रूप में, सलाद के फॉर्म में खाइए। कुछ लोग रायता बना लेते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, खीरे की सब्जी भी बनती है बहुत जगह। तो इस तरह से खीरा का कैसे उपयोग करें इसके बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, क्यों उपयोग करें, क्यों ये अच्छा चीज़ है हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। तो इसमें बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, तो जैसे इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ था फ्री रेडिकल्स को वो बाहर निकालता है, और जो रेडिकल्स कैंसर हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हैं, लंग कैंसर हैं, ये लंग है, हार्ट है, ये सबको भी ये स्वस्थ रखता है। कुछ लोगों का परेशान रहते हैं वजन से, मेरा वजन बढ़ रहा है, तो खीरा वजन को कम करने में भी, वेट लॉस में भी सहायक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, पानी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर्स होता है। तो आप फाइबर्स, कहा जाए बहुत सारा रिसर्च है, रिसर्च से ये पता चला है कि वाटर कंटेंट एंड फाइबर कंटेंट फूड जो होते हैं वो वजन कम करने में सहायक होते हैं। अब हमारे कुछ डायबिटिक भाई हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, चीनी की बीमारी से, उनके लिए भी ये एक वरदान है। डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप खीरा खाइए। तो ये एक मौसम, गर्मी के मौसम में वैसे भी वैसा खाना खाना चाहिए जो पानी से भरपूर है, और हमारे शरीर में प्रतिदिन जितने पानी की ज़रूरत होती है उसमें 40% पानी आपको खीरा से मिल जाता है, क्योंकि खीरे में कुछ है नहीं, खीरे में 96% तो पानी है, बाकी फाइबर है, जैसा कि मैंने कहा कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को हेल्दी बनने में, स्वस्थ रखने में सहायक महसूस होता है। टीम डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव रंजन थे, और हमने तो सिर्फ एक गर्मी में, बढ़ती जो गर्मी है उस पर खीरे की क्या रोल हो सकती है उस पर बात की, लेकिन इनसे वो तमाम जानकारी मिली कि गर्मी के साथ साथ
और कौन किन चीज़ों में खीरे का उपयोग किया जा सकता है जो कि लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा? दिल से बीमारी जो मतलब दिल की जो बीमारी होते हैं उससे जो ग्रसित लोग हैं, दिल की बीमारी से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उसमें भी खीरे का काफ़ी फायदेमंद रोल होता है। साथ में जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन तमाम चीज़ों में खीरे एक ऐसा चीज़ है कि गर्मी के मौसम में आपको बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन, चलती ट्रेनों में भी हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। यदि आपको ये चीज़ गर्मी में दिखे तो इसे इग्नोर ना करें, उसका सेवन करें और स्वस्थ रहें। गंगाचरण कुमार।